तो हाय फ्रेंड, आज के सिंपली में बताने वाले हैं कि LG वेब OS TV में क्या विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम ट्राई करते हैं विंडो इंस्टॉल करने की। तो सबसे पहले एक पेन ड्राइव को ले लेंगे और उसमें जो पेन ड्राइव है उसमें कोई भी विंडो डाल लेते हैं। तो चलिए मैं इस पेन ड्राइव में विंडो 7 डाला हुआ है, तो चलिए इसको हम इंसर्ट करा लेते हैं टीवी में। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं इंसर्ट करा लेता हूँ इसमें USB को। तो यहाँ पे ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको होम बटन पे क्लिक करना है। होम बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आना है फोटो एंड वीडियो पे, यहाँ पे क्लिक कर लेना है आपको। क्लिक करते ही कुछ ऐसे इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे क्लिक करना है अल्ट्रा USB पे, जो कि मैंने USB यहाँ पे लगाया हुआ है। तो सबसे पहले जो मैं विंडो डाला हुआ था उसको सर्च कर लेंगे विंडो 7। तो यहाँ पे देख सकते हैं विंडो 7 पे क्लिक कर लेना है आपको, जो भी अपने विंडो डाला हुआ उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही देख सकते हैं यहाँ पे, तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो कि मैंने पेन ड्राइव में विंडो 7 डाला हुआ था वो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें विंडो 7 या कोई भी विंडो इंस्टॉल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं इस LG TV में स्टोरेज और यहाँ पे रैम कुछ भी नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम वाईफाई से कनेक्ट करके और ऑनलाइन डाउनलोड करके भी देख लेते हैं ताकि इंस्टॉल होता है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है होम पे। होम पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा वेब ब्राउजर। तो चलिए यहाँ पे वेब ब्राउजर पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है। यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे सर्च करते हैं विंडो डाउनलोड। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं विंडो। अब यहाँ पे कर लेते हैं इंटर। इंटर करने को विंडो 7 और यहाँ पे कर लेते हैं इंटर। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं विंडो 7 यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है और यहाँ पे देख सकते हैं विंडो 7 का जो भी यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे हमको आना है और यहाँ पे फिर से सर्च करना है, यहाँ पे डाउनलोड फॉर माइक्रो, यहाँ पे सर्च करना है डाउनलोड विंडो। इसलिए यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं डाउनलोड विंडो 7। तो यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड विंडो 7 पे हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं डाउनलोड विंडो 7। चलिए यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपसे दिखाई दे रहा होगा सेकंड वाला और लिंक, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा विंडो 7 होम प्रीमियम। यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करना आपको और आई डिड नॉट साइन अप पर क्लिक करके यहाँ पे आपको बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको फिर से दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 5.68 GB है। इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे 5.68 GB का यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइल डाउनलोडिंग इज नॉट सपोर्टेड का प्रॉब्लम आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी LG TV में ना ही स्टोरेज होता है और यहाँ पे ना ही यहाँ पे कोई अपग्रेडेबल रैम होता है, तो यहाँ पे डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिले हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें।